मधुरिमा का, जो कि आपका पसंदीदा प्रोग्राम है और इसमें हम आपको रागों के बारे में जानकारी देते हैं। और आज हम लेकर आए हैं राग मालकोस। जा मेरे साथी,
मालकोस प्रचलित शास्त्रीय राग है, जिसे मालकंस या मालकोस आदि नामों से भी जाना जाता है। माना जाता है कि यह राग भैरवी थाट से उत्पन्न हुआ है। राग मालकोस को दक्षिण भारत में हिंडोलम के नाम से जाना जाता है। इसमें गंधार, धैवत और निषाद तीनों स्वर कोमल कार्य के लिए किए जाते हैं। जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, वल्ला कमाल है, अरे वल्ला कमाल है, है। जाने बहार सुन तेरा बेमिसाल है। हाय ये तेरी मस्त अदाएं ये बांकपन, हाय ये तेरी मस्त अदाएं ये बांकपन, किरणों को भी मैं छूने ना दूंगा तेरा बदन, तुझसे नजर मिलाए ये किसकी मजाल है, जाने बहार हुसैन तेरा बेमिसाल है। खुश नसीब हूँ के तुझे मैंने पा लिया, मैं खुश नसीब हूँ के तुझे मैंने पा लिया, तूने करम किया मुझे अपना बना लिया, ऐसे बिछड़ना मुहाल है, जाने बहार हुसैन तेरा बेमिसाल है, वल्ला कमाल है, अरे वल्ला कमाल है, जाने बहार हुसैन तेरा बे राग मालकोस पर आधारित ये गीत आपने सुना रफी साहब की आवाज में। जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। आज मधुरिमा में बात हो रही है राग मालकोस की। इसका आरोह सा ग म ध नी सा और अवरोह सा नी ध म ग म ग सा। पकड़ है ध नी स म ग म ग सा और कोमल स्वर है ग ध नी तथा अन्य स्वर शुद्ध है गंधार द्वैवत और निषाद। वादी मा है, संवादी सा है, ठाट भैरवी है, वर्जित स्वर इसमें रे और प है और जाति ओडव है। गायन का इसका जो समय है वो रात्रि का तीसरा पहर है।
छूट जाता है, छूट जाता है, छूट जाता है, शीशा हो या दिल हो आमिर, टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है, शीशा हो या दिल हो। अपने श्रोताओं के लिए आकाशवाणी लाया है आकाशवाणी संवाद, जिसके माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हमें 8700014411 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके जरिए आप श्री रामचरितमानस गान, तस्वीर, किसान की बात, सुर्खियों में स्पॉटलाइट, पब्लिक स्पीक लाइट जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें हिंदी और अंग्रेजी किसी भी भाषा में हमारे व्हाट्सएप नंबर 8700014411 पर दे सकते हैं। तो अपनी राय साझा करने के लिए आज ही दिए गए नंबर पर मैसेज करें। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। जहां निश्चित और निसंदेह आप सुन रहे हैं आकाशवाणी गोल्ड, जो 100.1 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप सुनते हैं। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के जमाने में आप इसे इंटरनेट के माध्यम भी सुन सकते हैं और बहुत से माध्यम आप बखूबी जानते हैं। आज हम बात कर रहे हैं राग मालकोस की। तो आपको बताया जाए कि बहुत गंभीर प्रकृति का राग है तथा ये एक पुरुष राग है और इसका समप्राकृतिक राग जो है उसका नाम है चंदकोश। राग मालकोश बंदिश से तात्पर्य है कि हिंदुस्तानी गायन वादन एक निश्चित सुर सहित रचना से होता है। बंदिश किसी विशेष राग में निर्मित होती है और राग विशेष बंदिश को गाने बजाने के साथ तबला या पखावज द्वारा ताल मिलाकर सारंगी वायलन और हारमोनियम आदि से इसे सुसरता प्रदान की जाती है। गायन में बंदिश को चीज कहते हैं।
और राग विस्तार करने हेतु बंदिश मार्गदर्शक का भी काम करती है। एक गीत आपको सुनवाते हैं, उसके बाद आपको इस राग की कुछ विशेषताओं के बारे में बताएंगे। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, मन तर पत रफी साहब के प्रसिद्ध भजनों में से एक भजन आपने सुना। फिल्म थी बैजू बावरा और रफी साहब ने इसे 1952 में गाया था। शकील बदायूनी ने यह गीत लिखा था और इस पर जो अभिनय किया था वो हम सब जानते हैं। बैजू बावरा में भारत भूषण के अभिनय को कोई नहीं भुला सकता। आकाशवाणी का गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और आपको आज हम मधुरिमा में सुना रहे हैं राग मालकोस के विषय में बहुत सी जानकारियां। तो हमने इस गीत से पहले आपसे कहा था कि आपको आज मालकोस की कुछ विशेषताओं के बारे में बताएंगे। तो राग मालकोस की चलन 3 सप्तकों में एक समान रूप से होती है। राग मालकोस ख्याल, छोटा ख्याल, ध्रुपद, धमार, तराना, मसीद खानी, गत, रजा खानी, गत सभी गाए बजाए जाते हैं तथा राग मालकोस में ठुमरी गाने का विधान नहीं है। राग मालकोस में केवल निशुद्ध कर देने से राग चंद्रकोश हो जाता है। यानी कि दोबारा आपको अगर इसे समझाऊं तो राग मालकोस में जो नी है उसे अगर हम शुद्ध करते हैं तो वो
राग परिवर्तित हो जाता है और राग बन जाता है चंद्रकोश। और जैसा कि हमने आपको पूर्व में बताया था कि ये चंद्रकोश जो है वो संप्राकृतिक राग है, राग मालकोश का। पंचम वर्जित होने के कारण जब हम मालकोश को गाते हैं तो तानपुरे में पहले तार को मंत्र मध्यम म में मिलाते हैं। राग मालकोश गंभीर और शांत प्रकृति का राग है। ऋषभ रे और पंचम प इस राग में वर्जित है। कई बार हमें जब मधुरिमा में हम रागों के विषय में बताते हैं तो ऐसा भी अनुभव होता है कि सब इतनी गहराई तक इन रागों के विषय में नहीं जानते हैं, लेकिन ये संगीत के जो अभ्यर्थी हैं या यूं कहें कि संगीत की जो जानकारी लेते हैं, जो उसका अभ्यास करते हैं, उनके लिए बड़े पते की चीज़ होती है। और कहीं ना कहीं दूसरों के मन में भी ये उत्सुकता तो ज़रूर जगा देती है कि आखिर ये इतनी जो क्लिष्ट बातें हैं ये हैं तो हैं क्या, और हो सकता है कोई इन्हें सुनकर ही उस ओर प्रेरित हो जाए। तो चलिए एक और गीत सुनते हैं। आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा होगी नहीं क्या ये पूरी, आस कब तक रहेगी अधूरी, प्यास होगी नहीं क्या ये पूरी, प्यासा प्यासा भवन, प्यासा प्यासा गगन, प्यासे तारों की भी है बारात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा।
और अब मुझे यानी सुनील सयाल को दीजिए इजाजत।